हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राइनी साइमन एंड आज हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। दिस टॉपिक इज यूपीएससी फेवरेट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस। जनरली हम प्रीलिम्स में देखते हैं कि हमें इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं ये रिपीटेडली बार बार हमारे प्रीलिम्स में ये पूछा जा रहा है इन डिफरेंट वे। सो इसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सो लेट्स गो, लेट्स सी what we have to discuss today. So India, the land of unity in diversity. ये तो आप सबको पता होगा कि इंडिया में वी आर सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी इन एवरी रिस्पेक्ट। ओके, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, फेस्टिवल्स एंड रिलीजन। ठीक है, सो कितने तरह के लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे? सिर्फ हमारे शेड्यूल का शेड्यूल लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे 8 शेड्यूल के जो लैंग्वेजेस हैं वो 22 लैंग्वेजेस हैं। फिर आप देखोगे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। ठीक है, नॉर्थ साइड में आप चले जाओ तो पंजाबी फूड इज़ देयर। ठीक है, देन आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में आपके डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इज़ देयर। साउथ इंडिया हैज़ डिफरेंट क्यूजींस, ईस्टर्न इंडिया हैज़ डिफरेंट क्यूजींस, सेंट्रल इंडिया हैज़ डिफरेंट क्यूजींस। सो उस तरह से फिर फेस्टिवल भी हम देखते हैं कि आपके दीपावली, दशहरा एंड रिलीजन यू ऑल ऑफ अस नो। यूनिटी इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकॉज पीपल लिविंग विद डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर फॉलो द सेम लॉज as laid down by the constitution of india. So hamare country mein constitution of india is the major law which is followed by all the religion in india. There are 8 major religion in this country. theek hai, aur unke jo aapke percentages ke sath hum dekhte hain yahan pe, christianity is 31%, islam is 24%, hinduism 15%, buddhism 6%, the folk regions are 5% and सिखिज़म 0.29% एंड जूदिज़म 0.18%। सो एक बार यूपीएससी में ये सीक्वेंस के बारे में भी पूछा गया था। ये पूछा गया था कि आपके जो इंडियन में रिलीजन है वो सबसे ज़्यादा रिलीजन के जो लोग हैं वो किस रिलीजन के लोग हैं, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया था आपसे ये क्वेश्चन। सो अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट हम देखेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी फेमस, और ये हमारे हिस्टोरिकली हमने देखा है कि डाइवर्सिटी तो है बट डिस्क्रिमिनेशन भी है, इनइक्वालिटी भी है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो बहुत सारे तरीके खोजती है कि हम अपने इनइक्वालिटी को कम कर सकें, और सिटीजन्स को भी अवेयर करती है कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना करें अकॉर्डिंग टू जेंडर, कास्ट, रिलीजन और क्रीड। इनइक्वालिटी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमीर गरीब का जो भेदभाव है उसे हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं। सोशल इनइक्वालिटी, सोशल स्टेटस अगर आप देखोगे जो रिच के सोशल स्टेटस एंड पुअर लोगों के सोशल स्टेटस में जो डिफरेंस होता है, जेंडर, मेल एंड फीमेल। ठीक है, फीमेल को बहुत बार ऐसा माना जाता है कि दे आर नॉट कैपेबल इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ सर्टन काइंड ऑफ जॉब्स एंड रोल्स, सो दिस काइंड ऑफ बाइसनेस दे फेस। कास्ट, एवरी वन नोज कि एससी एसटीज लोअर कास्ट दे आर बीन ट्रीटेड वेरी इन इक्वल व्हेन इट कम्स टू हिस्टोरिकल प्रूफ्स। हमने पूरे हिस्ट्री से देखा है, अभी तक हम देखते आए हैं कि कास्ट से रिलेटेड जो भी है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा है कि कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन बहुत होती है इंडिया में। रिलीजन अगेन, देन एथनिसिटी, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज इन द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड। अगर आपने आर्टिकल 15 मूवी देखी होगी तो उसमें भी हमने देखा है कि कैसे एक आईपीएस ऑफिसर आते हैं एक विलेज में, एंड देन ही इज़ नॉट दैट अवेयर कि कास्टिज्म इंडिया में इतना ज़्यादा है, बट ही विल बी फोर्स टू बिलीव दैट कास्टिज्म इज एवरीवेयर, बट ही विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 15 दैट इज राइट टू इक्वालिटी ही इज ट्राइंग टू इनक्रोच ऑल द केसेज ऑफ कास्टिज्म एंड हेल्प पीपल आउट, हेल्प द लोअर सेक्शन ऑफ द पीपल टू गेट देयर प्रायोरिटीज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया में किस तरह के पॉलिटी सिस्टम हमारे यहाँ देखा जाता है वो हम देखेंगे। द
The struggle for freedom from British rule also included the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. Obviously, हमारे जो दलित्स हैं, women, tribes, tribal areas and peasants, इनको लेके अलग तरह का discrimination होता आ रहा है बहुत पहले से, ठीक है? और अभी भी ये discrimination हम देखेंगे दलित के against या आपके जो gender biasness है, women के against ये biasness हो रही है. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequality that existed. The ultimate purpose behind the formation of Indian Constitution is to remove or control inequalities. So, inequality ko remove or control karne ka ek bahut bada agenda hamare jo constituent assemblies ke jo hamare leaders the, unhone ye agenda samne rakha tha. Vision and goals in the Constitution. In the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. So, हमारे actually जो हमारा agenda है, जो हमारा goal है हमारे constitution का, वो ये है कि हमें, ठीक है, सबको equal consider करना है. Constitution of India, a document that laid on the rules by which the nation would function. So, जो constitution हमारा है, उसके अंदर जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो टाइम के साथ चेंज भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, लेकिन उस रूल्स के हिसाब से ही हमारी इंडिया, हमारा जो नेशन है वो फंक्शन करेगा. आगे देखते हैं हम. इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है स्टूडेंट्स कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. हमने देखा कि कैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने बहुत सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया. हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उनके कॉन्स्टिट्यूट को, कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और फिर स्टडी करने के बाद हमने उनसे जो भी हमें ब्राउनी पॉइंट्स मिले हमने उन्हें उसे कंसीडर किया अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. इट इज़ 5 डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. सो हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज़ 5 डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स विच इज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. 14 मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया. अब जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं आपके. दे आर पॉपुलर सॉवरनिटी, जो भी हमारी मेजॉरिटी में बॉडी रहेगी, ठीक है, पॉपुलरली जो इलेक्ट होगी उनका रूल चलेगा. पॉलिटिकल इक्वालिटी, मेजॉरिटी रूल, इट्स फेडरल, दैट इज स्टेट की भी अपनी से है और सेंटर की भी अपनी से है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दो हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो हमारे आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. देन द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन इज अलाउड, रिपोर्ट फॉर ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी, सो रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के जो भी रिस्पेक्ट्स हैं उसको भी कैटर किया जाएगा. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है और ये हमारे रूल बुक में भी लिखा हुआ है. प्रॉब्लम्स ऑफ राइट्स, प्रोविजंस ऑफ राइट्स, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय कंसेंट एंड एम्प्लाइज ओपन सोसाइटी, गवर्नमेंट बाय कॉम्प्रोमाइज. सो गवर्नमेंट बाय कॉम्प्रोमाइज यहाँ इसीलिए होता है ना, क्योंकि देखो मान लीजिए आपकी किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिले तो यहाँ पर क्या होता है ना, लोग पार्टी ज्वाइन करके मेजॉरिटी लेके आते हैं. इट इज़ अ वेलफेयर गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम का. नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट सॉवरन इंडिया. वॉट इज अ सॉवरन इंडिया? यू हैव सीन दिस वर्ड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर स्टडिंग पॉलिटी. सो सॉवरन का मतलब ये होता है पीपल ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरन डोनेट्स सुप्रीम एंड अल्टीमेट पावर. सो सॉवरन इंडिया मतलब सुप्रीम एंड अल्टीमेट पावर हमारे इंडिया के हाथ में है, ठीक है, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर्स हो या इंटरनल मैटर्स हो, चाहे वो ऐसे मैटर्स हो जिसमें हमें इंटरनेशनल फोरम पे डिसाइड करना है या चाहे वो ऐसे मैटर्स हो जिसमें हमें इंटरनली डिसाइड करना है कि हमारी कंट्री के विद इन कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगी, हम क्या चाहते हैं.
वो सब हम इंडिया खुद से डिसीजन ले सकता है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, हम सजेशन ज़रूर मांग सकते हैं, हाँ हम इम्प्रेस हो सकते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से, कुछ ट्रिटीज से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, हम उनकी इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, बट होल एंड सोल जो हमारा पावर है, ठीक है, जो हमारा पावर है डिसीजन मेकिंग का, वो हम खुद से लेंगे, बिकॉज इंडिया इज सॉवरन विच डोनेट्स, इंडिया हैज द सुप्रीम पावर एंड अल्टीमेट पावर टू डिसाइड अबाउट इट्स ओन डिसीजंस। देन वी विल बी सीइंग अबाउट सोशलिस्ट इंडिया, अचीवमेंट्स ऑफ सोशलिस्ट गोल्स थ्रू डेमोक्रेसी, ठीक है, उनको सोशलिस्ट गोल का में इंडिया में सोशलिस्ट गोल्स को फुलफिल करना है। सोशलिस्ट गोल्स क्या है? वेल शुड बी शेयर इक्वली बाय सोसाइटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के थ्रू हमें सोसाइटी में अपना वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अक्यूमुलेटिव हमारा नेचर नहीं होना चाहिए कि हमें अपने वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो और फिर सबका फायदा हो, सबका साथ सबका विकास। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशल इकोनॉमिक इनक्वालिटी। सो गवर्नमेंट को पिच इन करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इंडस्ट्री। कुछ लोगों के पास पहले जमींदारी सिस्टम चलती थी, अभी भी बहुत सारे जगह में, तो एक इंसान के पास आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारा लैंड है और यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट कितने 20 लाख लोग हैं, ठीक है, और उनके पास आपके पास बहुत छोटी सी लैंड है, सेगमेंटेड बहुत छोटा सा लैंड है उनके पास। सो इस तरह की जो इनइक्वालिटी आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये रिच और पुअर वाली इनइक्वालिटी को ब्रीच करने के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेक्युलर इंडिया। द वर्ड सेक्युलर, व्हाट इट मीन्स वी विल स्टडी अबाउट दैट। तो सेक्युलर का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिलीजन्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लैंड एंड लॉ, द सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ द स्टेट एंड रिलीजन। सो रिलीजन एंड आपका स्टेट, ठीक है, स्टेट और रिलीजन हमारे इंटरैक्ट नहीं करेंगे, स्टेट अपना अपने हिसाब से चलेगा और लोगों के जो रिलीजन है वो लोग अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा एक पर्टिकुलर रिलीजन पे, ठीक है, आपका रिलीजन हो गया ये और आपका स्टेट हो गया ये, तो कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, स्टेट कोई फेवरेटिज्म नहीं करेगा एक पर्टिकुलर रिलीजन पे, सारे रिलीजन को स्टेट इक्वली रिस्पेक्ट करेगा। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलीजन बिटवीन हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इक्वली रिस्पेक्ट, मोर ओवर देर इज नो स्टेट रिलीजन। अब स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर सेक्युलर। स्टेट ये नहीं बोलता कि हम मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बुद्धिज्म हूँ, स्टेट ये कहता है कि हम इक्वल रिस्पेक्ट देने वाले हैं जो भी हमारे मेजर आपके रिलीजन हैं इंडिया में। इट मीन्स इक्वल फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, दिस इज योर मेन मोटो व्हेन इट कम्स टू सेक्युलर इंडिया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डेमोक्रेटिक इंडिया। डेमोक्रेटिक इंडिया का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं थ्रू आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, वन पर्सन वन वोट। द वर्ड डेमोक्रेटिक रिफर्स नॉट ओनली टू द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। सो डेमोक्रेसी हमें मिली है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी मिली है, बट हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हमारी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में और हमारे पूरे लीगल सिस्टम में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। द डॉक्यूमेंट्स लेज डाउन द फ्रेमवर्क डिमार्केटिंग फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, प्रोसीजर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। सेट्स आर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। इट इम्पैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, अश्योरिंग इट्स सिटीजन्स जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड टू प्रमोट फ्रैटर्निटी। सो ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हमारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगा जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी को प्रमोट करेगा।
ठीक है, और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स प्रोवाइडिंग सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, और ये हमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ये सब बताता है, ठीक है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट कम्स टू लॉ गवर्निंग बॉडी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या काम था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब फॉर्म हुई थी तो उन्होंने पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। उन लोगों ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया बहुत अच्छे से और फिर उन्होंने अपना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज अ सॉवरन बॉडी विच वॉज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन विच विजिटेड इंडिया इन 1946 टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। सो यहाँ कैबिनेट मिशन आपको याद रखना होगा कि हमारा जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसके बाद ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी 1946 में, ठीक है, ताकि हम अपने फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बना सके। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ 389 मेंबर्स वो इंक्लूडेड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स एंड 293 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। ये उनका बाइफिकेशन था। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्या क्या काम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की थी जब वो बनी थी 1946 में? फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इनएक्टिंग लॉज एंड इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग, इट अडॉप्ट नेशनल फ्लैग इन 1947, इट एक्सेप्टेड एंड अप्रोच इंडियाज मेंबरशिप इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, then it elected Rajendra Prasad as the first president of India in 1950, it adopted national anthem in 1950 and adopted national song in 1950। so अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके constituent assembly की क्या main importance थी तो constitution बनाने के अलावा भी हमारी constitution assembly ने constituent assembly ने बहुत सारे अच्छे और बहुत ज़्यादा important काम किए थे और ये prelims का आपका बहुत ही अच्छा एक source हो जाता है क्वेश्चंस पूछने का। सो ये आप अच्छे से इसे ध्यान से फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आप 2x की स्पीड में, ये जो मैंने आपकी पीपीटी बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाई है, आप 2x की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, प्रीलिम्स के टाइम में ना आपके लिए इजी हो जाएगा कोई भी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आप हमेशा जब बुक लेके पढ़ते हो या एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आप बहुत अटेंटिव नहीं रहते हो, लेकिन समथिंग व्हेन यू हियर एंड वेन यू सी इट, ठीक है, एक बार आपने अगर अभी देख लिया है, फिर से प्रीलिम्स से पहले जब आपको ये फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी रिवाइज करनी है तो आप 1.5 या 2x की स्पीड में इसे सुन सकते हो ताकि आपकी सारी जो ये टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं ये आपके क्लियर हो जाए। सो आज के लिए इतना ही, हम और सारे टॉपिक्स के साथ आएंगे। टिल देन स्टडी वेल, बेस्ट ऑफ लक।